नमस्ते दोस्तों, सुमिता किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए मटर की कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ। दोस्तों, ये बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा बनता है अगर आप इस तरह से घर पे बनाएंगे तो। अब दोस्तों, इस संडे के दिन इस कचौरी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कचौरी आपको कैसी लगी है, और पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। अब लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा हम कैसे बनाए हैं कचौरी। अब चलिए इस कचौरी को बनाना शुरू करते हैं। देखिए कितना फूली फूली कचौरी बनी है। कचौरी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आटा लगाना है। एक कप मैदा ले लिया है और एक कप गेहूं का आटा ले लिया है। दोनों मिक्स करके अगर कचौरी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है और कोई दिक्कत भी नहीं होती है खाने में। अगर ज़्यादा ऑयली चीज़ आप खाते हो तो आपको दिक्कत होती है, सबको होती है, हमें भी होती है। ये दोनों मिक्स करके बनाएं जब भी कचौरी बनाएं। थोड़ी सी नमक डाल देंगे और एक चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब हम मिक्स कर देंगे। हमने मिक्स कर दिया है। अब पानी मिलाएंगे, नरम आटा लगा लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को रेडी करेंगे। देखिए हमने आटा लगा लिया है, कितना सॉफ्ट आटा लगाए हैं। अब हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढक के। जब तक आटा हमारी रेडी हो रहा है तब तक हम कचौरी में भरने के लिए स्टफिंग रेडी करते हैं। हमने मटर के दाने ले लिया है एक कटोरी, एक मिक्सर जार ले लिया है। हमें दरदरा कूटना है, ज़्यादा नहीं, हम 2-3 बार रुक रुक के चला लेंगे मिक्सिंग। देखिए हमने इसी तरह से कर लिया है, दरदरा है। हमने पानी नहीं मिलाया बिल्कुल भी। अब गैस पे चलते हैं। देखिए पहले से ही हम पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। अब 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, अदरक डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। 2 सेकंड के लिए हम भून लेंगे। सबने भूनने रोल रख दिया है। अब हम मसाले मिलाएंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, हम हरी मिर्च मिला चुके हैं इसीलिए, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और सौंफ पाउडर, इसको तो ज़रूर डालें। और मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच हम बेसन डाल देंगे। बेसन को हम मसाले के अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला को हम 1 मिनट तक इसी तरह से भूना है। अब हम मटर को डाल देंगे, कर देंगे। देखिए हमने मिक्स कर दिया। अपने स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, मिक्स कर देंगे। इसी तरह से हम दबा दबा के 3-4 मिनट भून लेंगे मसाले के साथ। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम करके रख दिया है। देखिए हमने मिक्स कर दिया है। अब हम हरा धनिया मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। अब हम गैस को बंद करके ठंडा करेंगे। देखिए स्टफिंग हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है। और इसी तरह से हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे ताकि बनाने में आसानी हो। देखिए हमने इसी तरह सारे गोला बना लिया है। अब हटा देंगे, आटे को चेक करते हैं। देखिए आटा हमारा कितना सॉफ्ट है। अब हम ऊपर से थोड़ी सी मैदा लगा लेंगे। मैदा लगा के हम इसी तरह से मस लेंगे। देखिए आटा हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हाथों में भी ना चिपक रहे। अब हम लोहे निकाल लेते हैं। हाथों से इसी तरह से हम थोड़ी सी सूखी मैदा लगा लेंगे, इसी तरह से फोल्ड करेंगे अंदर। अब जो मटर की स्टफिंग है अब इसी तरह से हम भर देंगे। देखिए इसी तरह से हम सारे रेडी करेंगे। देखिए हमने रेडी कर लिया है। अब हम हाथों में मैदा लगा लेंगे इसी तरह से, और इसी तरह से हम दबा देंगे। अब बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल फूली फूली कचौरी बनेगी। इसी तरह से हम सारे रेडी करेंगे। देखिए दोस्तों हमने रेडी कर लिया है। अब गैस पे चलते हैं। देखिए पहले से ही हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल ही लो रखना है। अब हम डाल देंगे। देखिए कैसे हमारी ऑयल गर्म हुई है, हमें ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं चाहिए। अब इसी तरह से हम छोड़ देंगे जब तक हमारी कचौरी ऊपर ना आ जाए। देखिए दोस्तों ऊपर आ गई है। अब हम पलट देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। देखिए दोस्तों कैसे फूल के ऊपर आ गई है और कितनी बढ़िया तरह से सिक गई है।
इसी तरह से हमें उलट पलट के सेकना है कलर चेंज होने तक। देखिए दोस्तों तस्वीर हमारी बिल्कुल सीख गई है, कितनी बढ़िया कलर आई है, बिल्कुल मार्कर जैसा लग रही है। अब बड़ी आसानी से मार्केट जैसा कसूरी बना सकते हैं घर में मटर की। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ। अब हम टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम सारे कचौरी को सेक लेंगे। देखिए दोस्तों सारी कचौरी हमारी सीख गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों कचौरी हमारी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनी है दोस्तों। मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अब देखिए हरा धनिया की चटनी बनाए, अब चटनी के साथ खाए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। ये एक बार तो ज़रूर ट्राई करें, इस संडे आप इस घर में बनाए और अपने परिवार के साथ खाए। दोस्तों अगर मेरी ये कचौड़ी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।